भगवान चतुर्भुजी है, दो भुजा भगवान के ऊपर है, सूर्य और चंद्रमा, और दो भुजा से हिरण्यकश्यप का उधर विदीर्ण करते हैं, और हिरण्यकश्यप जो है जंघा पे पड़े हुए हैं, जंघा पे डाल रखा है, क्योंकि उसको वरदान था ना हिरण्यकश्यप को कि मैं न जमीन पे मरू, न आसमान में मरू, न घर के अंदर मरू, न बाहर मरू, तो इसलिए ये जो है जंघा पे पड़े हुए हैं, और जंघा पे इनका न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, तो भगवान ने अपने नखों से इनका उद्धार किया। इतने में जब भारी क्रोध में है भगवान, तो प्रहलाद जी दंडवत कर रहे हैं। प्रहलाद जी एकमात्र ऐसे थे जो कि उनके क्रोध को शांत कर सकते। प्रहलाद जी दंडवत कर रहे हैं और भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं भगवान प्रहलाद जी से कि भैया तुमने बहुत कष्ट पाया, मैं है क्या मुझको आने में विलम्ब हो गया। तो प्रहलाद जी पे इतनी कृपा की है भगवान, एक तरफ नारद जी खड़े हैं, एक तरफ ये सरस्वती और इस तरफ ये लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी उधर सरस्वती जी हैं। हाँ, ये लक्ष्मी जी, ये नारद जी हैं, ये सरस्वती, ये प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी। जय सरस्वती।